सो हे गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपके डिमांड पर कंपैरिजन करने वाले हैं अपकमिंग OnePlus Nord का और Realme X3 का, जहां पर हम इन दोनों ही फोन्स को डिटेल में कंपैरिजन करेंगे स्पेक्स वाइज और आपको बताएंगे कि आपके हिसाब से आपको कौन सा फोन बाय करना चाहिए, आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट होगा गेमिंग के लिए, कैमरा के लिए, डिस्प्ले के लिए, सब कुछ जानने के लिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कमाल के वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए और बात करते हैं दोनों ही फोन के कंपैरिजन को लेकर। सो गाइस, OnePlus Nord आपको 21st ऑफ जुलाई को इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएगा और ओवरऑल इसके सारे स्पेक्स रिवील्ड हो चुके हैं, बट इसकी प्राइस अभी रिवील्ड नहीं हुई है, जहां पर इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस 25 से लेकर 30,000 के करीब रहने वाली है, लेकिन Realme X3 आपको 25,000 के अंदर ही देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों फोन का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता है प्राइस वाइज, बट आपके कहने पे मैं वीडियो लेकर आ रहा हूं। अगर ये फोन 25,000 या फिर 26,000 के अराउंड आता है तो OnePlus Nord आपको लेना चाहिए, फिर Realme X3, ये इंटरेस्टिंग बात हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले इन दोनों ही फोन्स के परफॉर्मेंस को लेकर। सो गाइस, अपकमिंग OnePlus Nord के अंदर आपको देखने को मिलेगा Snapdragon 765G चिपसेट, जो कि 7nm आर्किटेक्चर में बेस्ड एक 5G इंटीग्रेटेड चिपसेट होने वाला है। तो वहीं पर Realme X3 के अंदर आपको मिलता है पावरफुल Snapdragon 855 प्लस चिपसेट, जो कि 7nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड होगा। तो गाइस, अब आपके मन में सवाल होगा कि दोनों फोन्स में से मैं कौन सा फोन बाय करना चाहिए परफॉर्मेंस वाइज या फिर प्रोसेसर वाइज। सो गाइस, मैं कहूंगा कि अगर आप एक हार्डकोर गेमर हो, ओनली आपका मोटिव है गेमिंग करना, तो Realme X3 एक बेस्ट चॉइस हो जाएगा। मतलब 25,000 के नीचे आपको Snapdragon 855 प्लस मिलता है और बहुत ही पावरफुल चिपसेट है गाइस, आपको बता दूं। बाकी दोनों फोन के अंदर स्टोरेज और रैम की बात करें तो बिल्कुल ही सेम होने वाले हैं, जो कि LPDDR4X रैम और UFS 3.0 स्टोरेज टाइप, तो रीड एंड राइट स्पीड बिल्कुल ही सेम मिल जाती है। लेकिन अगर बात करें इन दोनों ही फोन के डिस्प्ले के बारे में, तो OnePlus Nord और Realme X3 का जो डिस्प्ले होगा वो साइज वाइज बिल्कुल ही सेम होगा, जहां पर आपको OnePlus Nord के अंदर मिलती है 6.7 इंच तक की एक फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले, तो वहीं पर Realme X3 के अंदर आपको मिलता है 6.5 इंच तक की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले। तो साइज वाइज बिल्कुल ही सेम होने वाले हैं, बट जो मेन डिफरेंस देखने को मिलेगा वो होगा इनके पैनल को लेकर। सो गाइस, OnePlus Nord के अंदर आपको मिलती है 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एक AMOLED पैनल और वहीं पर Realme X3 के अंदर आपको मिलता है यहां पर एक 120 हर्ट्ज हायर रिफ्रेश रेट के साथ एक IPS LCD पैनल। तो गाइस, मेरे अकॉर्डिंग अगर डिस्प्ले वाइज चूज करना हो तो मैं करूंगा OnePlus Nord को, क्योंकि यहां पर आपको एक AMOLED पैनल मिलती है तो कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही कमाल का मिलेगा, भले ही हमें 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिलती है, क्योंकि 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज मैटर नहीं करता है, थोड़ी सी स्मूथनेस में बहुत ही माइन्यूट सी डिफरेंस देखने को मिलेगी, बट जो डिफरेंस देखने को मिलता है वो होता है कलर्स को लेकर, जो कि आप हर टाइम देखने वाले हो, तो वो आपको AMOLED पैनल के अंदर अच्छा देखने को मिलता है। तो कहीं ना कहीं Realme X3 के अंदर एक IPS LCD पैनल डिसअपॉइंटिंग चीज हो जाती है, जिसको लेकर मैं कहूंगा कि OnePlus Nord डिस्प्ले को लेकर बेस्ट होने वाला है। लेकिन लुक वाइज दोनों फोन बिल्कुल सेम होंगे फ्रंट से, क्योंकि दोनों फोन के अंदर डुअल पंच होल कटआउट मिलता है, बट गाइस डिफरेंस आपको मिलेगा इनके कैमरास के अंदर, जहां पर OnePlus Nord के अंदर आपको मिलता है 32+8 मेगापिक्सल का दो पेयर, मतलब 32 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, तो वहीं पर Realme X3 के अंदर आपको मिलती है 16 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल के पेयर, मतलब 16 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी लेंस और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। तो कहीं ना कहीं कैमरा को लेकर OnePlus Nord आगे निकल जाता है, जो फ्रंट कैमरा होगा वो OnePlus Nord के अंदर बहुत ही कमाल का देखने को मिलेगा। लेकिन अगर बात करें दोनों ही फोन के बैक साइड कैमरा के बारे में, तो दोनों फोन के अंदर क्वाड कैमरा सेंसर देखने को मिलेगा, जहां पर जो मेन डिफरेंस होगा वो होगा इनके गिमिक्स को लेकर। तो OnePlus Nord के अंदर आपको मिलेगा 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस, तो वहीं पर Realme X3 के अंदर आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस। लेकिन जो मेन डिफरेंस होगा वो होगा इनके सेंसर को लेकर, जहां पर OnePlus Nord के अंदर आपको मिलेगा सोनी IMX586 और OIS का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, तो वहीं पर आपको मिलेगा Realme X3 के अंदर सैमसंग का GW1 सेंसर। लेकिन अगर बात करें कि इन दोनों ही सेंसर में से कौन सा सेंसर बेस्ट होगा, किसमें फोटो क्वालिटी अच्छी आएगी, सो गाइस दोनों सेंसर ही बिल्कुल इक्वल परफॉर्म करते हैं, जहां पर आपको फोटो की क्वालिटी बहुत ही इक्वल देखने को मिलेगी। लेकिन अगर बात करें और लेंसेस की, तो दोनों फोन के अंदर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस बिल्कुल ही सेम होगा, बट OnePlus Nord के अंदर बाकी सेंसर की बात करें तो 5 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर देखने को मिलता है, तो वहीं पर Realme X3 के अंदर 12 मेगापिक्सल का एक डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस और 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो लेंस मिलता है। सो गाइस, मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं अगर टेलीफोटो लेंस एक डेडिकेटेड दिया गया है Realme X3 के अंदर, तो जूमिंग कैपेबिलिटी आपको अच्छी मिलेगी Realme X3 के अंदर। लेकिन अगर फाइनली देखिए कि कैमरा को लेकर कौन सा फोन बेस्ट होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोनी के सेंसर के साथ और बहुत ही कमाल के इमेज ऑप्टिमाइजेशन के साथ OnePlus Nord का कैमरा आगे निकल जाएगा। हालांकि इस चीज को देखने के लिए हमें कंपेयर करना होगा हैंड टू हैंड दोनों फोन्स को, जो कि अभी हम नहीं कर सकते। सो गाइस, अभी के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से OnePlus Nord कैमरा के अकॉर्डिंग आगे निकल जाता है। और अगर बात करें दोनों ही फोन्स के बैटरी कैपेसिटी को, तो दोनों फोन के अंदर लगभग सेम बैटरी कैपेसिटी देखने को मिलेगी और दोनों फोन के अंदर 30 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट सेम देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस, हार्डवेयर के साथ अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो OnePlus Nord के अंदर
अंदर आपको मिलता है ऑक्सीजन ओएस यूआई जो कि वन ऑफ द बेस्ट यूआई हो जाता है। और गाइस यहां पर आपको कोई भी ऐड नहीं देखने को मिलता है और किसी भी तरीके की आपको लैग नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत ही स्मूथ और बहुत ही कमाल का यूआई माना जाता है। वहीं पर रियलमी X3 के अंदर आपको मिलता है रियलमी यूआई जो कि ऐड के साथ आता है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह जाता है ऑक्सीजन ओएस जो कि OnePlus Nord के अंदर देखने को मिलता है। तो सॉफ्टवेयर वाइज कहीं ना कहीं मैं आपको कंसीडर करने को बोलूंगा OnePlus Nord। बाकी गाइस अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें कि रियलमी X3 या फिर OnePlus Nord, तो गाइस अगर OnePlus Nord की प्राइसिंग 25,000 के करीब रही और इस स्पेक्स के साथ आता है तो गाइस मैं कहूंगा OnePlus Nord आपके लिए नंबर वन फोन हो जाएगा। बट अगर OnePlus Nord की प्राइस 28,000 से 30,000 के करीब रही तो रियलमी X3 इस प्राइस के अंदर किंग हो जाता है। बाकी गाइस आपके कहते हैं दोनों ही फोन के बारे में नीचे कॉमेंट के अंदर जरूर बताना और आपके डिमांड पर वीडियो लेकर आया हूँ कैसा लगा नीचे कॉमेंट कर जरूर बताना। बाकी अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए क्योंकि ऐसे कमाल के वीडियो हम लेकर आते रहते हैं। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।